मयूरी फैमिली आज हम बनाने लगे हैं और चिकन पकौड़ा और विद राइस। यहाँ पे हमने अपने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, इसको गर्म कर लेंगे थोड़ी देर। और साथ ही हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं राइस का सामान। यहाँ पे हमने चावलों का मसाला तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले हमने इसमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा और सूखा धनिया डाल दिया। और हम इसमें डालेंगे पानी और उसको कर लेंगे ग्राइंड। दूसरी जना भी हमारा चिकन पकौड़ा फ्राई हो रहा है जिसको हमने मसाला लगा के रख लिया था, जो हमारा बाज़ार से हम पैकेट्स में मिलते हैं मसाला चिकन पकौड़े का, वो हमने उसको लगा के चीज़ें मैरिनेट कर लिया जी। अब हम बनाने लगे हैं अपने राइस। हमने पतीले में ले लिया है ऑयल, इसको शामिल करेंगे प्याज। काफ़ी मिनट्स में मैंने इसमें शामिल कर दिए दालचीनी, तो जब भी हमने शामिल कर दिए ये जो हमारे प्याज है ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम शामिल कर रहे हैं अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, इसको कर लेंगे अच्छे से हमने जी। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं नमक, साथ में शामिल करेंगे संधारा मिर्च, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल फ्लावर मसाला और ये जो है टेस्ट का पेस्ट सॉस। साथ में हमें शामिल करने वाले हमारा चिकन पकौड़ा है, जो है डाले छोटी बोटी में सब्जी डाली हमने थोड़ी फ्राई कर देंगे। जी ये हमारा यहाँ पे चिकन पकौड़ा भी हो चुका है फ्राई। यहाँ पे जो हमारा दम है वो हो चुका है, खोलते हैं राइस जी। ये हमारे खीरे के लिए से राइस पक के तैयार होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमें रखिएगा अपनी दुआओं में। याद मिलती हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।